के बाद स्वागत है हल्का हलचल में, आप सभी का स्वागत है। तो रुक करते हैं हल्का में कि आज हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है, बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हल्का, वहीं आपको बता दें कि जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं कलावली से, और फरीदाबाद से मोनू पंचाल जुड़ चुके हैं। तो मोनू पंचाल जी, आज आपके हल्का हलचल में क्या कुछ रहने वाला है हलचल, और क्या कुछ अपडेट रहने वाला है? फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से एक जो आईएएस भूपेंद्र को जो गिरफ्तार किया था अधिकारी को, तो उसको चलते जो है कल जो है उनको कोर्ट में पेश करके जो है रिमांड मांगी थी, रिमांड के चलते जो है 5 दिन की उसको रिमांड दे दी गई है और आगे की पूछताछ यहाँ पर जारी है। जिस तरीके से क्या इसमें और भी अधिकारी संलिप्त है, क्या इस तरीके के और भी खुलासे यहाँ पर किए जा सकते हैं, ठेकेदारों के खिलाफ भी यहाँ पर जो है FIR दर्ज की जाएगी। तो इस तरीके से जो हलचल है आज फरीदाबाद में जो IAS जो अधिकारी को गिरफ्तार किया है इसको लेकर के, वही साथ इसके साथ साथ मैं बता दूं जिस तरीके से बल्लभगढ़ में जो उपमंडल नया बना था तो उसमें वकीलों ने जो सीट के लिए अपने अपने दावे किए थे, यहाँ पर सीट जो है परिवहन मंत्री के अनुसार वहां पर सीट बना दी गई थी, लेकिन बाद में जो है प्रशासन द्वारा जो है उन सीटों को यहाँ पर तोड़ दिया गया, क्योंकि वकील और प्रशासन आमने सामने यहाँ पर लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर पूर्व विधायक शारदा राठौड़ यहाँ पर पहुंच रही है, आम आदमी पार्टी के अशोक तंवर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो तमाम नेता यहाँ पर इन वकीलों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। और ये जो है सरकार के जो खिलाफ जो वकील बैठे हैं तो सरकार की नीतियों को यहाँ पर गलत बताते हुए यहाँ पर आप वो जो और नेता है वो यहाँ पर साफ देखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला फरीदाबाद का दौरा रहेगा, वो जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता है वो जो तैयारियों में वो लग चुके हैं अलग अलग तरीके की, जो क्योंकि काफी जो टाइम बाद जो है वो फरीदाबाद पहुंचेंगे ओम प्रकाश चौटाला, तो यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो उन तैयारियों में जो है इनेलो के कार्यकर्ता है पार्टी के वो यहाँ पर लग गए हैं, और इसके साथ साथ ही जो है वो उसके धरना प्रदर्शन यहाँ पर निकालेंगे। जिस तरीके से जो कांग्रेस कर रही है महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रही है, तो यहाँ पर भी जो है इंडियन नेशनल जी। जगदीश प्रजापति जी, आपके हलके में आज क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, किस खबर पे ज्यादा रुख करेंगे? समीता, सबसे पहले अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ आगियों का आगे आने के सवाल है। वही अगर राहुल दलदल की बात की जाए तो राज्य का समय भी काफी बवाल मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मिला के देखने को मिला है, क्योंकि 3 दिन का मुख्यमंत्री जी का जन संवाद था उसको लेकर कांग्रेस के विधायक शिवपाल केरवाला में बड़े नेता शरद खानावाली आज आपसे और बड़ी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सरकार की पर्ची और खर्ची जो सरकार कहती है कि हमने पर्ची और खर्ची बंद कर दिया है, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सबूत जो है कांग्रेस के हाथ लगता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक से हमारी बात हुई थी, उनका कहना की इस बात को लेकर खुलासा करेंगे, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। वही बात की जाए रंजीत रंजीत सिंह चौटाला की, तो रंजीत सिंह चौटाला आज शिक्षा में रहेंगे और कार्यकर्ताओं को मिलेंगे और कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे। वही शिक्षा के रहने वाले गणेशी लाल जो राज्यपाल है, उड़ीसा के राज्यपाल है, वह आज शिक्षा में आएंगे और शिक्षा के लोगों को मिलकर वहां के उड़ीसा के हालातों के बारे में जानकारी देंगे। वही सबसे बढ़िया खबर सामने आ रही है, अभी अभी सूचना मिली है कि कालावाली डब्बावाली के जगह सिंह बराड़ जो चंद सिंह बराड़ के भाई थे, कांग्रेसी नेता है, उनके घर ANIA की रेड चल रही है, जिसमें ANIA के DSP AFC त्यागी ने रेड मारी है। जहां तक मीडिया में इन लोगों का भी जाने नहीं दिया जा रहा है, वहां कहा जा रहा है कि काफी मात्रा में जो सामान है मिलने की संभावना जताई जा रही है, पर ANIA काफी दिन से कालावाली और डबवाली के लगते एरिया में लड़कों की सक्रिय है, और कहीं ना कहीं जहां भी ANIA ने रेड मारी है तो कुछ ना कुछ जरूर बरामद हुआ है, और इनके घर भी कुछ ना कुछ बरामद होने की संभावना है जो जताई जा रही है। जी बिल्कुल मोनू पंचाल जी, आपकी तरफ रुख करते हैं, और क्या कुछ अपडेट रहने वाला है? अपडेट की लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से हमारी हर खबर न्यूज चैनल ने जो है प्रमुखता से खबर दिखाते हुए नगर निगम के जो नाकामियां हैं उनको दिखाते हुए, जिस तरीके से गर्मी के चलते जो है जो तैयारियां हैं, या जिस तरीके से बात की जाए तो जो राहगीर है उनके पानी की पीने की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर कल जो है खबरें जो प्रमुखता से दिखाई, तो उस खबर का असर जो है यहाँ पर देखते हुए मिला, तो उन्होंने जो नगर निगम की तरफ से जो है रोडवेज की महकमे की बात की जाए और नगर निगम
उनके महकमे की बात की जाए तो राहगीरों के लिए जो है पानी से जो है मटके यहाँ पर रख दिए गए हैं, तो ताकि राहगीरों को पानी मिल सके, गर्मी से राहत मिल सके, पानी खरीदना ना पड़े, तो इस कल को लेकर के जो है यहाँ पर जो है तैयारियां यहाँ पर की गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से गर्मियां पड़ रही थी, कहीं ना कहीं जो पानी के माफिया है वो यहाँ पर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो औने पौने दाम यहाँ पर कमा रहे हैं, जो अवैध तरीके जो समर है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इस पर कानून की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कानून यहाँ पर शिकंजा इन पानी के माफियाओं पर कसता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून को लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर दुरुस्त नजर जरूर आ रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो जो गाड़ी पर जो काले जो प्लेट नंबर होता है उस पर काले अक्षरों से लिखा होता है, जिसकी भी प्लेट नंबर जो है बाइट मिली तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके की तमाम बातें के गाड़ियों को लेकर के देखा जाएगा, क्योंकि जो गाड़ियों पर वकील एडवोकेट है या पुलिस है या प्रेस है, इस तरीके की जो तमाम गाड़ियों पर नाम लिखे जाते हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर कानूनी यातायात के खिलाफ जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो गाड़ी के जो चालक है या ड्राइवर है जो भी जैसे भी है उनके खिलाफ यहाँ पर कर सकते सकते यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जी जी जगदीश जी, बढ़ते गर्मी के प्रकोप के बीच आपके हल्के में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ टेम्परेचर चल रहा है और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है गर्मी से बचने के लिए? गर्मी के मौसम की बात की जाए तो काफी जो गर्मी है दो दिन से बढ़ती नजर आ रही है। इस बार टेम्परेचर की बात करें तो सेल्सियस 38 से पारा अभी निकल चुका है और दोपहर तक 47 जो पारा होने की संभावना जताई जा रही है। वही अगर प्रशासन की उनसे बात की जाए तो पानी की व्यवस्था की तो प्रशासन बिल्कुल उनका ही यूज हुआ है, किसी तरह का कोई परवाह नहीं किया है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर रेलवे संघर्ष समिति की ओर से काफी लंबे समय से जो अर्जुन गुरु अर्जुन देव के नाम से जल समिति चलाई जाती है, तो वहां पर उनकी ओर से यात्री आती है तो प्रारंभ किया जाता है। और लोगों की ओर से जैसे किसी के घर को डेथ हुई है या किसी की बढ़ती है तो वह अपने 1100-2100 रुपए उन लोगों को दान देते हैं और पानी पिलाने का काम किया जाता है। भाई अगर शहर में बात करें तो शहर में दुकानदारों की ओर से जरूर अपने अपने दुकानों के आगे मटका रखे जाए, कोई टेंपर रखकर पानी का प्रबंध किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए जैसे हमारे मोनू पंचाल की बात कर रहे हैं, हमारे मोनू पंचाल की बात कर रहे हैं तो पानी जल के नदियां हैं जो मोटा पैसा कमाने में लगे हुए हैं, वहीं पर पेयजल पदार्थों की भी काफी मिलावटी माला है जो देखने को मिला है, क्योंकि इन दिनों में पेयजलों की काफी जरूरत होती है। जैसे कोई कई प्रकार के कोल्ड ड्रिंक होती है या जूस वगैरह होती है तो जो मिलावटखोर लोग हैं जो काफी मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। वही स्वास्थ्य विभाग की टीम को चाहिए कि उनकी जांच की जाए, उनकी सैंपल ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की तलवार किया जा रहा है। जी ठीक है जी, बिल्कुल जगदीश जी, मोनू पांचाल जी, आप दोनों के इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हल्का हलचल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।